सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की संस्कृत व्याकरण बुक के पाठ चार का संज्ञावाचक शब्द जो हमारा पाठ है उसका तृतीय भाग करेंगे। अब से पहले हम अपने संज्ञावाचक शब्द के दो भाग दो वीडियो में बना चुके हैं। मुझे उम्मीद थी कि यह पाठ आपका तीन वीडियो में समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह आपका बहुत ही ज़्यादा समझाने वाला पार्ट है, तो इसके हमने फिर चार भाग किए हैं। आज की वीडियो में हम आपके संज्ञावाचक शब्द का तृतीय भाग करेंगे। यह हमारा संज्ञावाचक शब्द का तृतीय भाग है। इससे पहले हमने जो दो वीडियो बनाई है उसमें हमने अपने कारक चिन्ह और उनमें आपके संज्ञावाचक शब्दों के लिंग वचन आदि भाग को समझा था। आज की वीडियो में हम अपने जो आपके कुछ प्रमुख संज्ञा शब्दों के शब्द रूप हैं उनको समझेंगे। आपके प्रमुख संज्ञा शब्द रूप कहने से अर्थ है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जो नपुंसक लिंग वाले शब्द रूप हैं उनको हम आज की वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर आपको आपके बालक आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सामने दिखाई दे रहे हैं। जो आपने अब तक शब्द रूप याद किए होंगे वह आप अपने एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप में याद करते होंगे। कहने का अर्थ है कि आप अपने आकारांत पुल्लिंग वाले शब्दों को कुछ इस प्रकार याद करते होंगे, जैसे बालकहा बालकौ बालकहा बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालकानाम बालके बालकयो बालकेशु हे बालक हे बालकौ हे बालकहा। आप अपने शब्द रूप को इस प्रकार ही याद करते होंगे, लेकिन हम अपने शब्द रूपों को आज कुछ अलग ढंग से याद करना सीखेंगे, जिससे आप अपने आकारांत पुल्लिंग वाले शब्द रूपों को और भी आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले अपने एकवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे और उसके बाद आपके बहुवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे। लास्ट में हम अपने द्विवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे। तो आप एक बार मेरे साथ अपने एकवचन वाले शब्द रूप दोहराइए। बाल कहा बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक। इसको यदि आप एक या दो बार दोहराएंगे तो आपके एकवचन वाले आकारांत पुल्लिंग वाले शब्द रूप आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इनको आप एक बार दोबारा दोहराइए। अब की बार आप दो दो विभक्तियों को एक साथ दोहराएंगे, जिससे आपको अपने शब्द रूप और भी जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे बाल कहा बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक। इस प्रकार आप अपने शब्द रूपों को याद करेंगे तो यह आपके लिए याद करना और भी आसान होगा। अब आप अपने बहुवचन वाले शब्द रूप को देख लीजिए। बाल कहा बालकान बालकई बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानाम बालकेशु हे बाल कहा। उम्मीद है आपने मेरे साथ इनको एक बार दोहरा लिया होगा। यदि आपने नहीं दोहराया है तो आप एक बार मेरे साथ इनको दो दो विभक्ति एक साथ में दोहराएंगे, जैसे हमने अभी अपना एक वचन को दोहराया था। बाल कहा बालकान बालकई बालकेभ्य बालकेभ्य बालकानाम बालकेशु हे बाल कहा। यह दोनों करने के बाद आप अपने द्विवचन को करेंगे। सामान्य रूप से आपके जो द्विवचन होते हैं वह आपके पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में ज़्यादातर समान ही होते हैं। केवल आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आपकी भिन्नता होती है। उसको मैं आपको आगे समझाऊंगी कि इसमें क्या भिन्नता है और आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। आप अपने द्विवचन को दोहरा लीजिए। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालकौ। आपको यह दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको एक बार में ये याद नहीं हुए हैं तो आप इनको अपने आप दोबारा दोहरा सकते हैं अपनी वीडियो को रोककर। तो आप अपने शब्द रूप को इस प्रकार ही याद करेंगे, पहले एक वचन उसके बाद बहुवचन और लास्ट में
द्विवचन को याद करेंगे। यहाँ पर मैंने पेंसिल से आपकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक बालक से अलग जो आपका शब्द रूप बनेगा आकारांत राम का, वह भी मैंने यहाँ पर लिया है। आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से अपने राम के रूप को कितनी आसानी से बना सकते हैं। राम के रूप क्या आप किसी भी आकारांत वाले शब्द रूपों को बना सकते हैं? आपके आकारांत वाले शब्द रूप क्या हैं? जैसे किसी मनुष्य का नाम जिसके अंत में आ आया हो, जैसे आपका राम, श्याम, कृष्ण। पशुओं के नाम में भी जिनके आपके अंत में आ स्वर आया है तो वह भी आपके आकारांत में ही होंगे। जैसे आपका सिंहा, व्याघ्रहा, मयूरहा, पिकहा, खगहा, जनका, पर्वतहा। इस प्रकार आपके बहुत सारे आकारांत वाले शब्द रूप होते हैं जिनको आप अपनी इस शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। तो आप अपने शॉर्ट ट्रिक से शब्द रूप बनाना सीख लीजिए। जैसे आपका शब्द है राम, उसमें आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपकी प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो शॉर्ट ट्रिक है वह आपकी है अह, तो आप अपने राम में अह जोड़ देंगे और आपका शब्द बन जाएगा रामह। आपको मैं यहाँ पर बनाकर नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पर आपके स्पेस की कमी है। आप केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए कि मैं आपके किस प्रकार इनको बनाने के बाद उच्चारण कर रही हूँ। आप उससे ही अपने राम के रूप बनाना सीख जाएंगे। तो हमने अपनी प्रथम विभक्ति एक वचन का जो उच्चारण किया है वह आपका है रामः। यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति में जो राम शब्द है उसके साथ अपनी आप द्वितीय विभक्ति वाले शॉर्ट ट्रिक अम को जोड़ देंगे और आपका शब्द बनेगा रामम। तृतीया में भी आप ऐसे ही करेंगे, राम प्लस आपकी जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर मैंने दो लिखी हुई है, वह आपके दो लिखने का कारण है कि जो भी आपका र जिसमें आपकी रा की ध्वनि आती है ऐसे शब्द में आपका एण का प्रयोग होगा और जब तक आपके शब्द में रा की ध्वनि नहीं आ रही है तो आपके एन वाली शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग होगा। जैसे बालक में आपके रा की ध्वनि नहीं आ रही है तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। तो आप अपने राम में रा की ध्वनि आपकी आ रही है तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक में एन का प्रयोग करेंगे तो आपका शब्द बनेगा रामेण। चतुर्थी विभक्ति में आपका राम प्लस आय शब्द बनेगा रामाय। राम प्लस आत आपका पंचमी विभक्ति में शब्द बनेगा रामात। षष्ठी विभक्ति में राम प्लस अस्य शब्द बनेगा रामस्य। और जो आपकी सप्तमी विभक्ति में यह ए स्वर आया हुआ है यह अपनी मात्रा के रूप में राम के साथ जुड़ जाएगा और आपका शब्द बनेगा रामे। तो आप इस प्रकार अपने राम के जो आपका अकारांत पुल्लिंग वाला शब्द है एक वचन वाले रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसको अपने बहुवचन पर भी बनाकर देखिए। आप अपना राम शब्द लेंगे और अपने बहुवचन वाली शॉर्ट ट्रिक आहा लेंगे तो आपका शब्द बनेगा रामहा। इसमें आपका आन जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा रामान। तृतीय विभक्ति में अही जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा रामही। चतुर्थी में रामेभ्य, पंचमी में आपका रामेभ्य, षष्ठी में आपका जैसा मैंने आपको तृतीय में समझाया है कि यदि आपकी रा की ध्वनि है तो आपका अण आएगा, यदि रा की ध्वनि नहीं है तो आपका ना आएगा। तो आपकी षष्ठी विभक्ति में भी यहाँ पर रामा नाम आएगा। ये जो आपका आनाम लिखा हुआ है इसको आप स्लैश करके यहाँ पर आनाम भी लिख लीजिए तो आप अपने राम वाले शब्द में आनाम जोड़ेंगे और आपका शब्द बनेगा रामानाम। सप्तमी विभक्ति में राम प्लस एसु शब्द बनेगा आपका रामेशु। द्वितीय विभक्ति में भी आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को ऐसे ही अप्लाई करेंगे। आपका राम शब्द है और आपकी शॉर्ट ट्रिक है औ, तो आपका शब्द बनेगा रामौ। द्वितीय विभक्ति में भी रामौ। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति आपकी एक समान होती है तो आप अपने आभ्याम वाले शब्द को राम के साथ प्रयोग करके रामाभ्याम शब्द बना लेंगे।
षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी आपकी एक समान होती है, तो आप इनको भी राम प्लस अयो को आप जोड़कर अपना शब्द बना लेंगे रामियो। इसी प्रकार आपकी सप्तमी विभक्ति का द्विवचन होगा रामियो। तो देखा आपने कितना आसान है आपकी शॉर्ट ट्रिक से किसी भी आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बनाना। यहाँ पर मैंने आपको राम का अभ्यास कराया है, आप इसके स्थान पर किसी अन्य नाम का अभ्यास भी कर सकते हैं अपनी शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके। अभी आपने आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बनाना सीखा है, अब आप इसी वीडियो में अपने लता आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप भी बनाना सीख लीजिए, क्योंकि आपकी इस पार्ट की बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। यदि आप इनको अलग अलग सीखेंगे तो आपकी इस पार्ट की ही और भी बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। तो आप अपने तीनों ही लिंगों में शब्द रूप बनाना इसी वीडियो में सीख लीजिए। आप अभ्यास बाद में धीरे धीरे कर सकते हैं अपनी वीडियो को रोककर, या अपनी वीडियो को दो या तीन बार सुनने के बाद आपको तीनों ही लिंगों के शब्द रूप बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने लता आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप को भी आप जैसे पहले से ही अपने शब्द रूप याद करते आ रहे हैं, हम उसको पहले ऐसे ही देख लेते हैं। आपका लता आकारांत स्त्रीलिंग में होगा लता लते लताह, लताम लते लताह, लतिया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतियोः लतानाम, लतायाम लतियो लतासु। तो आपने देखा कि आपके लता वाले शब्द रूप भी कितने कठिन है याद करने, लेकिन यदि आप अपनी उसी विधि से इसको याद करेंगे कि पहले आप एक वचन याद करेंगे, उसके बाद आपके बहुवचन और लास्ट में आप अपने द्विवचन को याद करेंगे, तो यह आपको अपने आकारांत पुल्लिंग के समान ही बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप इसको मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए, लता लताम लतिया लताये लतायाह लतायाह लतायाम हे लते। एक बार आप इनको दो दो विभक्तियों के साथ दोहरा लीजिए, जिससे आपको यह और भी आसानी से याद हो जाएंगे। लता लताम लतिया लताये लतायाह लतायाह लतायाम हे लते। इस प्रकार आप केवल चार बार में ही अपने आठों विभक्तियों के रूप याद कर सकते हैं। अब आप अपने बहुवचन को देख लीजिए, लताह लताह लताभि लताभ्य लताभ्य लतानाम लतासु हे लताह। ऐसे आप एक बार दोहराने के बाद मेरे साथ दोबारा दो दो विभक्तियों को एक बार दोहरा लीजिए, लताह लताह लताभि लताभ्य लताभ्य लतानाम लतासु हे लता। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान ही है, तो आप उसको भी आसानी से याद कर सकते हैं, और आपकी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति भी एक समान है, तो वह भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें आपकी तृतीया षष्ठी और सप्तमी विभक्ति अलग है, जो आपकी संबोधन वाली विभक्ति होती है वह आपकी प्रथमा विभक्ति का ही रूप होती है। अब आप इसमें अपने द्विवचन वाले शब्द रूप याद कर लीजिए, लते लते लताभ्याम 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 लतियो लतियो हे लते। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके तृतीय विभक्ति से जो आपकी सप्तमी विभक्ति तक शब्द रूप है वह आपके आकारांत के समान ही है। यहाँ पर आपका केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही भिन्नता है, वह भी दोनों आपकी एक जैसी ही है। पुल्लिंग में औ की जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, और यहाँ पर आपकी एक ही शॉर्ट ट्रिक है। तो आप अपनी इन छोटी छोटी बातों से भी अपने शब्द रूप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपकी शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, जिसको हम अपने बालिका वाले शब्दों में प्रयोग करेंगे, क्योंकि बालिका भी आपका आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है। जो आपके आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द आते हैं वह आपके स्त्रियों के नाम होते हैं जिनके अंत में आपका आस्वर आया हो, और आपके पशु पक्षियों में जैसे अजा कोकिला बहुत सारे
आपके नाम है, उन पर आप अपनी आकारांत स्त्रीलिंग वाले शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके अपने शब्द रूप बनाना सीख सकते हैं। जैसे हमने अपने राम वाले शब्दों में अपनी शॉर्ट ट्रिक को जोड़कर अपने शब्द रूप बनाना सीखे थे, ऐसे ही हम अपनी आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों में बालिका वाले शब्दों के साथ अपनी शॉर्ट ट्रिक को जोड़कर अपने शब्द रूप बनाना सीखेंगे। बालिका में हम अपने आ, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, उसको जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा बालिका। इसमें आपका द्वितीय विभक्ति में जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है आम, उसको हम बालिका के साथ जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा आपका बालिकाम। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए कि जो मैं आपको शब्द बता रही हूँ वह आपका आकारांत स्त्रीलिंग का ही शब्द रूप है जो हम बालिका के रूप में बना रहे हैं। तृतीय विभक्ति में आपका आया, जो शॉर्ट ट्रिक है, उसको आप बालिका में जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने आपका आया इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर आपका बालिका से आ का लोप हो जाता है, तो आप अपनी बालिका में से आ का लोप करके इसके स्थान पर आप अपने आ का प्रयोग करेंगे और या को आप ऐसे ही जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा बालिकया। चतुर्थी विभक्ति में जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है आये, उसको आप बालिका में जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका बालिका यही। पंचमी में आपका आयाह और षष्ठी में भी आपका आयाह, ये दोनों ही शॉर्ट ट्रिक आपकी एक समान है तो आपके शब्द बनेंगे बालिकायाह बालिकायाह। आपकी सप्तमी विभक्ति की जो शॉर्ट ट्रिक है आयाम, उसको आप बालिका में जोड़ने के बाद जो आपका शब्द बनेगा वह होगा आपका बालिकायाम। आपका इस प्रकार बालिका के एक वचन वाले शब्द रूप आपको मिल जाएंगे, तो आप यदि उनका अभ्यास करना चाहेंगे तो आप उनको भी कर सकते हैं। जैसे आपका शब्द बनेगा बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायी बालिकायाह बालिकायाह बालिकायाम, यह शब्द आपके इन वाली शॉर्ट ट्रिक को जोड़ने के बाद बनेंगे। आप अपनी बहुवचन पर भी ऐसे ही अभ्यास कर लीजिए। यहाँ पर आप अपने बालिका शब्द को लेंगे और यहाँ से आप अपनी शॉर्ट ट्रिक लेंगे तो आपके शब्द बनेंगे, प्रथम और द्वितीय विभक्ति में आपका आहा आहा आया हुआ है तो आपका शब्द बालिकाहा इस रूप में यहाँ पर आपको बहुवचन में हो जाएगा। तृतीय विभक्ति में आपका आभी जो है वह आपकी शॉर्ट ट्रिक है, जो आप अपनी बालिका वाले शब्द में जोड़ने के बाद आपका शब्द बनेगा बालिका भी। आभ्य आपका चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में एक समान शॉर्ट ट्रिक है तो आपका शब्द बालिकाभ्य बालिकाभ्य इस रूप में आपका बहुवचन में हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति में आपका आनाम जो आपकी विभक्ति की शॉर्ट ट्रिक है तो आप उसको अपने बालिका शब्द में ऐड कर देंगे तो आपका शब्द बनेगा बालिका नाम। सप्तमी विभक्ति में आपकी आंसू जो शॉर्ट ट्रिक है उसको आप बालिका में जोड़ने के बाद शब्द बनेगा आपका बालिकासु। इसी प्रकार आप अपने द्विवचन वाली शॉर्ट ट्रिक को अपने शब्द में जोड़ने के बाद जो आपके शब्द बनेंगे वह आपके होंगे बालिके बालिके। यहाँ पर जो आपका आकारांत है वह आपका हट जाएगा और जो आपका ए ए आपकी शॉर्ट ट्रिक में आया हुआ है वह आपका यहाँ पर आपके शब्द में जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा आपका बालिके बालिके। शेष शब्द आप अपनी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक अपने राम के जो आपने रूप सीखे हैं उसके समान ही कर लेंगे। शब्द बनेगा आपका बालिकाभ्याम 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 बालिकयो बालिकयो। यहाँ पर आ आ जो आया है इस कारण आपका आ आ की मात्रा यहाँ से आपकी हट जाएगी और आपका बालिकयो और बालिकयो यह शब्द आपके इस रूप में आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में हम अपने तीनों ही लिंगों के शब्द रूप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो फल शब्द रूप है वह आपका नपुंसकलिंग अकारांत है। यह आपका शब्द तो अकारांत है लेकिन यह है आपके नपुंसकलिंग में आता है। इसके शब्द रूप आप देख लीजिए, फलम फले फलानी फलम फले फलानी फलेन फलाभ्याम फलई फलाय फलाभ्याम फलेभ्य फलात फलाभ्याम फलेभ्य फलस्य फलियो फलानाम फले फलियो फलेसु हे फल हे फले
हे फलानी, यह आप अपने सामान्य रूप से इसी प्रकार अपने शब्द रूप याद करते हैं। पहले हम अपने एकवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे, उसके बाद हम अपने बहुवचन वाले और अंत में अपने द्विवचन वाले शब्द रूप याद करेंगे। आप यदि अपने नपुंसक लिंग आकारांत वाले शब्द रूप को ध्यान से देखेंगे तो आपकी तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आपके सभी शब्द रूप एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचन वाले सभी शब्द रूप आपके आकारांत पुल्लिंग के समान ही है। तो यहाँ पर आपको केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है, शेष जो है आपके वह आप अपने आकारांत पुल्लिंग में ही याद कर चुके हैं। इसमें आपका प्रथमा द्वितीय विभक्ति में भी दोनों ही समान विभक्ति है, तो आप अपनी एक पंक्ति याद करके भी अपने नपुंसक लिंग वाले जो आपके आकारांत शब्द रूप हैं उनको याद कर सकते हैं। इसमें आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है वह आपकी अम ए आनी इस रूप में जो लिखी हुई है वह आपकी शॉर्ट ट्रिक है। और यहाँ पर आपका आनी और जो आनी है उसमें आपको मैंने भेद समझाया हुआ है। जब तक आपके शब्द में रा की ध्वनि सुनाई नहीं देती है तो आप अपने आनी का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आपके शब्द में, जैसे यहाँ पर चित्रम चित्र शब्द में रा की ध्वनि आ रही है तो आप अपने आणी का प्रयोग करेंगे। तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक से अपने शब्द रूप बनाना सीख लीजिए। इसमें हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक आप पहले ही शब्द रूप बनाना सीख चुके हैं। आपकी प्रथम विभक्ति एक वचन में जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है वह है आपकी अम, उसको आप चित्र में जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा चित्रम। द्वितीय विभक्ति में भी आपकी सेम शॉर्ट ट्रिक है तो आपका शब्द ऐसा ही बनेगा चित्रम। तृतीय विभक्ति में आपका चित्रेण और आपका एण दो शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। नियम आप जानते ही हैं, जब तक आपके शब्द में रा की ध्वनि नहीं है तो आप एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आपके शब्द में रा की ध्वनि आपको सुनाई देती है तो आप अपने एन का प्रयोग करेंगे। तो शब्द बनेगा आपका चित्रेण। चतुर्थी में चित्राय, पंचमी में चित्रात, षष्ठी विभक्ति में चित्रस्य और सप्तमी विभक्ति में आपका चित्रे शब्द बनेगा। आप अपनी शॉर्ट ट्रिक को चित्र शब्द में जोड़कर अपने बहुवचन वाले रूप भी बना लीजिए। चित्र के साथ आप अपनी आनी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आपकी रा की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो आप अपने चित्र में आनी का प्रयोग करेंगे। शब्द बनेगा आपका चित्राणी। ऐसे ही आपका यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में भी होगा तो आपका शब्द बनेगा चित्राणी। जो आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती है वह नपुंसक लिंग में समान होती है। तृतीय में आपका चित्रई, चतुर्थी में चित्रेभ्य, पंचमी में चित्रेभ्य, षष्ठी में आपका उसी अनुसार चित्र प्लस आणाम आप लिखेंगे तो आपका शब्द बनेगा चित्राणाम। सप्तमी में आपका जो शॉर्ट ट्रिक एशु है वह चित्र शब्द में जुड़ जाएगी तो शब्द बनेगा आपका चित्रेशु। और आपका संबोधन जो होता है वह आपका प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है तो वह आपका हो जाएगा हे फलानी। द्विवचन में भी आप ऐसे ही करेंगे। प्रथमा द्वितीय में आपका ए आया हुआ है तो आप इसको जोड़ देंगे, शब्द बनेगा आपका चित्रे चित्रे। तृतीय में आपका आभ्याम जो शॉर्ट ट्रिक आई हुई है वही आपकी चतुर्थी और पंचमी में भी आई है तो यहाँ पर आप अपने चित्र शब्द में जब अपनी शॉर्ट ट्रिक जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका चित्राभ्याम चित्राभ्याम चित्राभ्याम। षष्ठी और सप्तमी में आपकी एक समान शॉर्ट ट्रिक है तो आप अपने शब्दों में जब उसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका चित्रियो हो चित्रियो हो। और जो आपका मैंने बताया है कि संबोधन वाले आपके प्रथम विभक्ति का ही रूप होता है तो वह हो जाएगा आपका हे फले। आप अपनी इस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी नपुंसक लिंग आकारांत के शब्द रूप बना सकते हैं। आपके नपुंसक लिंग अकारांत में जो आपके शब्द होंगे वह है आपके वन, उद्यान, ज्ञान, धन, मित्र, मंदिर, पुष्प, शरीर, संस्कृत, पद्य, अन्न, बीज, वस्त्र, पत्र। बहुत सारे आपके ऐसे ही शब्द हैं जिनको हम अंतिम में मकार शब्द कह के आपके नपुंसक लिंग में प्रयोग
करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फलम प्रयोग किया है, तो आपको जो मैंने अभी शब्द बताए हैं आप इनमें से अपने नपुंसक लिंग में किसी पर भी अभ्यास कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अपनी उपपद विभक्ति नियमः यह वाला भाग करेंगे और आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य भी हम अगली वीडियो में ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।